किस प्रकार से अद्वैताचार्य और बाकी जो वैष्णव भक्त हैं ये सबके सब पहुंचे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो सबके सब वहां पहुंचे हैं रथ यात्रा महोत्सव के लिए, और उनको विदाई देते हुए महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपको हर साल रथ यात्रा में इसी प्रकार से आना है। तो आमंत्रित करना, ये भी एक वैष्णव सदाचार है कि हमें आमंत्रित करना चाहिए डिवोटीज को, वैष्णव को, विशेष रूप से जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए, जो बराबर वाले वैष्णव हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, और जो हमारे अनुगत हैं, जो हमारे से कनिष्ठ माने जाते हैं उनको भी आमंत्रित करना चाहिए। तो दैट वेज महाप्रभु सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि आपको हर साल रथ यात्रा में आना है। तो महाप्रभु सबको इन्वाइट कर रहे हैं। तो जो रथ यात्रा है, विशेष रूप से जो श्री प्रभुपाद यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि जो रथ यात्रा है ये बहुत ही विशेष उत्सव है, और गुंडीचा नामक मंदिर है जहाँ पर ये रथ यात्रा पहुँचती है, जब रथ को खींचा जाता है तो जिस स्थान से निकलती है वो है नीलाचल, नीले रंग का अचल जो है यानी कि पर्वत, वो है नीलाचल, और जाएगा कहाँ, सुंदराचल। सुंदराचल जो है बेसिकली वहाँ पर गुंडीचा मंदिर है, तो वहाँ पर इस रथ को लेकर के जाते हैं। उससे पहले और ही भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं भी हैं, नो डाउट कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी हैं, स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा के बाद वो बीमार पड़ते हैं, फिर उनको उनका इलाज होता है, फिर 15 दिन वो अंदर रहते हैं, कोई उनको देखता नहीं है, फिर वो जड़ी बूटियाँ लेते हैं, फिर वो फिर ठीक हो जाते हैं, फिर नव यौवनम, फिर यंग और हैंडसम होकर फिर वो किस प्रकार से रथ पर चढ़ते हैं, और किस प्रकार से रथ पर चढ़ाने की भी जो है सुंदर लीला है उनकी, किस प्रकार से जो जगन्नाथ जी के पंडे हैं उनके भक्त हैं उनको उठा करके लेकर के जाते हैं, और कई सारे सिरहाने रखे जाते हैं ताकि उनका ये जो सफ़र है रथ पर चढ़ने का ये बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए जगन्नाथ जी को जब वो लेकर के जाते हैं तो बड़ी हृदय से और मधुर मधुर गालियाँ भी देते हैं उनको, अरे चलना कालिया, अरे चल, अरे चलता क्यों नहीं, अरे चलना, क्योंकि उस वक्त जो है जगन्नाथ जी बिकॉज इज द फॉर्म ऑफ कृष्णा अब वृंदावन जाना है, एंड ही इज थिंकिंग ऑफ द ब्रजवासीज, तो इस प्रकार से मदहोश हैं जगन्नाथ जी कृष्णा, तो उस प्रकार से जो उनके जो पंडे हैं उनको लेकर के जाते हैं, तो कभी सिरहाने भी रखते हैं तो सिरहाना फटता भी है, तो फटता है तो रुई 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 चारों ओर आती है, तो दैट इज जगन्नाथ जी भी हैं चारों ओर रुई रुई भी है। बड़ा सुंदर फेस्टिवल होता है भक्तों के इवन देखने के लिए भी कि किस प्रकार से उनको रथ पे चढ़ाया जाता है। फिर रथ पे जब जगन्नाथ जी चढ़ जाते हैं उसके बाद जो है उनकी आरती होती है, उनको निहारा जाता है डिवोटीज के द्वारा, आसपास कीर्तन चलता है, ट्यूमल्टुअस कीर्तन, अगल से बगल से सब और कीर्तन करने के लिए कई कई आसपास के गाँव से और जो उड़ीसा में रहने वाले जो भक्त हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो कीर्तन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये विशेष फेस्टिवल होता है, और जाते हैं फिर गुंडीचा मंदिर, वहाँ पर जाते हैं, और गुंडीचा मंदिर की विशेष रूप से जो महिमा वो ये बताई जाती है कि अगर कोई 10 साल जगन्नाथ जी के दर्शन करे, 10 साल अगर 10 साल अगर जगन्नाथ जी के दर्शन करें, लेकिन अगर गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन कर ले तो बराबर है, इतनी महिमा है। तो यानी गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ जी हो तो उनके दर्शन करने का बहुत लाभ मिलता है, तो वहाँ दर्शन करने चाहिए, और उसमें भी अगर कोई दिन में दर्शन करता है या रात को दर्शन करता है, रात को दर्शन करना जो है 10 गुना और ज़्यादा लाभदायक है बजाय कि दिन में दर्शन करने के गुंडीचा मंदिर में, क्योंकि ठाकुर जी भी कहाँ है, वृंदावन में, इसलिए बहुत खुश हैं भगवान, बहुत खुश हैं, तो इसीलिए ये गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर। और गुंडीचा वैसे ये इंद्रदुत महाराज की वाइफ रहीं, और क्योंकि इंद्रदुत महाराज ने जगन्नाथ जी के प्रकट होने पर उनसे ये वचन लिया था कि ना मेरे आगे कोई संतान ना हो, ये मांगा था कि मेरे को संतान ना हो, संतान होगी फिर वो झगड़ेंगे, जगन्नाथ जी कौन संभालेगा, ये मंदिर किसका रहेगा, इसका रहेगा, उसका रहेगा, प्रॉपर्टी बंटवारा फला ढिमका का रहना, मेरा कोई बच्चा ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है तथास्तु, लेकिन गुंडीचा जी की बड़ी इच्छा थी कि ना हमारा पुत्र ही नहीं होगा, तो थोड़ी उनके अंदर उदासी थी कि हमारा कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन चलो पतिदेव ने मांग लिया जगन्नाथ जी से हमारा पुत्र ना हो, लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं हूं आपके पुत्र के रूप में, मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है मान लेते चलो हमारे पुत्र, लेकिन अंतिम संस्कार वगैरह तो बेटा ही करता है ना। जगन्नाथ जी ने कहा मैं वो भी करूँगा। तो गुंडीचा जो मैया हैं उनको इस प्रकार से आश्वासन दिया जगन्नाथ जी ने, और साथ ही और भी कई सारे प्रोमिसज लिए थे उन्होंने। जैसे एक प्रोमिस ये लिया था कि अगर आपको जब भोग लगेगा इससे पहले कि आप हाथ धोकर के आओ तो आपको दूसरा भोग स्वीकार करना है, मतलब आपने हाथ धोकर के आए आपके हाथ अभी गीले हैं, तो गीले गीले हाथों से आपको अगला भोग फिर स्वीकार करना है इतना, और आपको 8 प्रहर में से 7 प्रहर आपको दर्शन देने हैं, सिर्फ 1 प्रहर आपको रेस्ट करना है बस। तो 1 प्रहर के लिए यानी 3 घंटे के लिए बस किवाड़ बंद होते हैं जगन्नाथ जी के, अदरवाइज किवाड़ जो है हमेशा खुले रहते हैं, और ऐसे नहीं वो 1 घंटे में जाकर वो सो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, उस वक्त जो है देवी देवता उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बाकी 7 प्रहर जो है मनुष्य करते हैं, लेकिन बाकी 1 प्रहर जो है देवी देवता करते होते हैं। दैट वे जगन्नाथ जी सोते नहीं है,
जगन्नाथ जी खासियत ये भी है कि उनकी कोई आईलिड्स नहीं है, जैसे हमारी आईलिड्स हैं, सोने के लिए क्या चाहिए, आईलिड्स नहीं है ना, तभी तो बंद होगा कि वाट भैया, दरवाजा है ही नहीं तो बंद कैसे होगा दरवाजा, सोएंगे तब ना जब पलकें होंगी, जगन्नाथ जी की पलकें ही नहीं है, जगन्नाथ जी की पलकें नहीं है, क्यों, इसका कारण यह है कि बड़ी बड़ी आंखों से वो भक्तों को देखते हैं वो, और पलक झपकना भी नहीं चाहते, इसलिए वो पलक रखी नहीं उन्होंने। और साथ ही जगन्नाथ जी खासियत ये भी है कि जगन्नाथ जी की अगर आप आंखें देखेंगे, जगन्नाथ जी की आंखों में क्या है, ब्लैक देन व्हाइट एंड देन रेड, सबसे बाहर का जो सर्कल है वो लाल रंग का है। यूजली देखा जाता है कि ना जिन लोगों की हृदय बहुत करुणा से भरा होता है उनकी आंखें ना बड़ी गीली गीली सी रहती हैं, आपने देखा है, जो भक्त बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ऐसे भक्त हमेशा ना उनकी आंखें गीली गीली रहती हैं, गाय के जैसी गीली गीली आंखें होती हैं उनकी, गीली गीली आंखें होती हैं, और ना आंखों का ये वाला हिस्सा और अंदर का ये वाला हिस्सा लाल लाल नज़र भी आता है, ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो जिनके लाल लाल ये वाला और ये वाला हिस्सा नज़र आता है कहते हैं भाई वो प्रभु जी बहुत दयालु हैं यार, इतना कोमल रहते हैं उनका, उनकी कभी आंखें देखिए लगता है बस अभी छलक ही जाएंगे। अरे तो अगर किसी की यहाँ और यहाँ अगर लाल हिस्सा होता है तो उसको बोलते हैं बहुत करुणा वाला है। जगन्नाथ जी का पूरा लाल 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 पूरा लाल है, अरे ये करुणा इतनी ज़्यादा भरी हुई कि ओवर फ्लड हो रखी है, इतनी ज़्यादा करुणा है क्योंकि इनके लाल सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं है, पूरा लाल। तो ऐसे जगन्नाथ जी, और पलक भी नहीं है। तो जगन्नाथ जी का जो रूप है ये बहुत ही विशेष है, जिसमें दर्शन करना उनका रथ यात्रा में अत्यंत शुभ माना जाता है, ये कि जगन्नाथ जी का ये रूप बहुत ही विशेष है, लाल लाल आंखें उनकी क्यों लाल, और बाहर का हिस्सा लाल है, अंदर का हिस्सा लाल होता है तो उसे कहते हैं क्रोध में व्यक्ति, पर जब लाल बाहर होता है तो करुणा का भाव होता है वास्तव में। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का रूप है, साथ ही बाहें उनकी ऐसी है, ये बेसिकली हाथ ही दिखाते हैं, आ जाओ बस जप्पी पालो, क्या लोग प्राणाम वणाम के चक्कर में क्या आ जाओ, सो दैट इज ही इज वेरी डेस्परेट टू एम्ब्रेस द डिवोटीज, इसलिए उनके हाथ ऐसे हैं जगन्नाथ जी के, और ऐसे ही रहते हैं उनके हाथ, ऐसे ही रहते हैं। और जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं वास्तव में, अदरवाइज कभी कोई फेस्टिवल होता है तो जो उत्सव विग्रह होते हैं, जो छोटे वाले जो उत्सव विग्रह होते हैं, उत्सव विग्रह जो है बाहर आते हैं, मूल विग्रह तो वहीं पर रहते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का ही एक ऐसा रूप है कि उनका मूल विग्रह मंदिर से बाहर आता है, ऐसा नहीं कोई छोटा उनका जो उत्सव विग्रह होगा वो बाहर आता है, ना ना ना, ये अपने मूल विग्रह में बाहर आते हैं और बाहर आकर के भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। अदर वैसे डीटी से कौन छुएगा, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई हो वही तो डीटी से छू पाता है, लेकिन जब ये रथ यात्रा में बाहर आते हैं anyone and everyone goes and embrace जगन्नाथ, अरे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी सबको गले भी लगा रहे हैं, अच्छा आपकी दीक्षा हुई है जी, कहते हाँ मेरा नाम शीला दीक्षित है, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। कैसा भी हो ऐसा व्यक्ति भी भगवान को आलिंगन करता है, भले उसकी दीक्षा ना हो, या नाम वैसे दीक्षित हो, उसका नाम माधुरी दीक्षित, अच्छा ठीक दीक्षित नहीं है वो, सिर्फ नाम दीक्षित है, नाम और नाम ये भेद होता है ना संसार के अंदर, तो नाम दीक्षित है लेकिन वैसे दीक्षित नहीं है भाई साहब, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी उनका आलिंगन करते हैं, जगन्नाथ सो मच अवेलेबल फॉर द डिवोटीज, भक्तों को आलिंगन करने के लिए तैयार है, ऐसे हाथ उन्हें फैलाए हुए हैं, आ रहे हैं उनको गले लगा रहे हैं। एक हमारे प्रभु जी हैं सरदार जी, उनको जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार है, सरदार जी भी आए उनको गले लगा रहे हैं, मुसलमान है वो भी गले लगा रहे हैं उनको, सब गले लगा रहे हैं, इवन बुद्धिस्ट आकर के गले लगाते हैं उनको, बिकॉज दे थिंक दैट लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कहते इतनी लाफिंग बुद्धा की इतनी बड़ी स्माइल है, उससे बड़ी स्माइल है जगन्नाथ जी की, तो ये हमारे लाफिंग बुद्धा ही होंगे, सो इवन बुद्धिस्ट दे ऑल्सो कम एंड एम्ब्रेस लॉर्ड जगन्नाथ। जो निराकारवादी हैं, निराकारवादी भी आकर के गले लगाते हैं, कहते इनका रूप ये बता रहा है वो परम सत्य तो निराकार है, तो परम सत्य निराकार है भाई, यही हमारे निराकार है, निराकार को जप्पी पा नहीं सकते, इन्हीं को जप्पी पा लेते हैं, तो निराकारवादी भी आते हैं, अद्वैतवादी आते हैं वो भी जप्पी पाते हैं इनको, बुद्धिस्ट आते हैं वो भी जप्पी पाते हैं इनको, सब आके जप्पी पाते हैं, बिकॉज जगन्नाथ जी सो मच लविंग, इतने ज्यादा प्रेम से भरे हुए हैं जगन्नाथ जी की, सबको गले लगाते हैं, मुसलमान भी आते हैं, शबर जो वहां पर जाती है जो कि शूद्रों से नीचे मानी जाती है, हालांकि जगन्नाथ जी उनसे सेवा लेते हैं, जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त शबर हैं जो प्रजाति के लोग हैं वो आकर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, और जब सेवा करते हैं तो उस वक्त उनको दवा भी देते हैं, तो उनको छूते भी हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, सबसे सेवा लेने वाले हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो ऊंची जाति निचली जाति ब्राह्मण हो कोई भी हो, जगन्नाथ जी ओ सो वेरी मर्सीफुल,
एक क्रॉनिकल है जो कि जगन्नाथ जी के जो टेंपल से एसोसिएटेड ही है, वो ये मानते हैं कि जगन्नाथ जी का ये फॉर्म प्रकट भी ऐसी हुई है, ये जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की यानी कि जब जब जरण तीर मार दिया, उसके बाद सभी यदुवंशी भी जा चुके हैं उससे पहले, उसके बाद जरण तीर मार दिया, जरा को भी सशरीर धाम भेज दिया, वो सारी लीला करने के बाद भगवान ने अपना एक विराट रूप वाला एक फॉर्म छोड़ दी थी ताकि अंतिम संस्कार वाला उसका हो जाए, अदरवाइज कृष्णा डिसअपियर्ड लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे कि एक रोशनी चमचमाती आकाश में, बिल्कुल वैसे भगवान डिसअपियर हो गए। लेकिन भगवान ने अपना एक विराट रूप वाला एक भौतिक रूप छोड़ भी दिया, उसको बोलते हैं असुर मोहन लीला, तो अंतिम संस्कार वगैरह भी हुआ। तो अंतिम संस्कार के बाद यानी लकड़ी जलने के बाद जो बचा वहाँ पर वो जगन्नाथ जी का रूप था वहाँ समय। सो दैट इज कृष्णा एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ दारु ब्रह्म इन दिस वे, कि ये लीला समाप्त करके अब ये लीला शुरू करेंगे कलयुग के अंदर दारु ब्रह्म के रूप में। कई बार लोग दारू का मतलब सिर्फ ही जानते हैं नहीं, दारू का और ही मतलब होते हैं। दारू, दा का मतलब देने वाले, भक्तों को मंगलमय जीवन देने वाले, भक्तों को भक्ति देने वाले, दा। रू का मतलब काटने वाले, अमंगल को काटने वाले, अवरोधों को काटने वाले, रू। सो दा रू ब्रह्म, दारू ब्रह्म। एक समय कुछ क्रिश्चियन थे, ईसाई लोग, वो कुछ गांव वालों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, कहते देखो ये तुम्हारी मूर्ति है, इसको हम पानी में डालते हैं, देखते हैं तैरती कि नहीं तैरती। वो क्या है, डूब गई, वो संगमरमर के बिगड़े थे, वो डूब गए। कहते देखो जो खुद डूब गया वो तुमको क्या तैराएगा। कहते अब हमारा क्रॉस, क्रॉस लिया, क्रॉस जो था वो तैर रहा था, लेकिन क्रॉस वाला तैर रहा था, लेकिन क्रॉस के ऊपर मेटेलिक फॉर्म जो थी वो जीसस क्राइस्ट की, तो थोड़ा डूबा हुआ था और इस प्रकार से वो तैर रहा था। कहते तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा, जो तैर गया वही तो बचाएगा, जो डूब गया वो क्या बचाएगा तुमको, तो तुम्हें किसके पास आना चाहिए, जीसस क्राइस्ट के पास आना चाहिए। तो ये काम उन्होंने शुरू किया हुआ था, तभी वहाँ जगन्नाथ जी के भक्त आ गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है हमारे को भी देख लेते हैं जरा। तो जब जगन्नाथ जी को डाला, जगन्नाथ जी तैर रहे। सो डिवोटीज ने कहा जगन्नाथ जी ने दारू ब्रह्म का रूप इसलिए लिया क्योंकि भवसागर में हम लोग भी डूब रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा रूप किया रीरिया जो डूबता नहीं है। कहते हैं मैं नहीं डूबता ना तुमको डूबने दूंगा इस संसार में, क्या हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन यहाँ पर जगन्नाथ जी बोलते हैं हम तो तैरे हैं सनम तुमको भी तैराएंगे, भवसागर पार कराएंगे। ये है जगन्नाथ जी। सो जगन्नाथ जी ही मेंशन इन द फॉर्म ऑफ दारु ब्रह्म, बहुत ही विशेष रूप से। और ऐसे नहीं कोई भी लकड़ी लेकर के जगन्नाथ जी का रूप बन जाता है, जो जगन्नाथ जी का जो रूप है तो उसकी लकड़ी की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जो पेड़ होगा उसकी चार भुजाएं निकली होनी चाहिए, चार ब्रांचेस निकली होनी चाहिए उसकी, उस पेड़ की। और वो पेड़ या तो लाल रंग का होना चाहिए या ब्लैकिश रंग का होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बड़ा सुंदर होना चाहिए, और ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिसके पास या तो नदी हो या तालाब हो, या फिर जो तीन वाला होते हैं ना, क्या होता है चौराहे को तो चार सड़क वाला होता है, तीन सड़क वाला क्या होता है, तिराहा, ठीक है तिराहा होना चाहिए, और तिराहे पे वो खड़ा होना चाहिए। उसके पास में एक एंटिल होनी चाहिए, यानी कि एंटिल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मांबी, मांबी है चींटियों की, मांबी है ना, बाम्बी, बाम्बी, बाम्बी होनी चाहिए चींटियों के बगल में, और साथ में वहाँ सांप भी रहना चाहिए। हाँ सांप होना चाहिए, वही अनंत साथ में होंगे ना ठाकुर जी के, तो वहाँ सांप भी रहना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। साथ ही बगल में एक क्रिमेटोरियम भी होना चाहिए कि जो जीवात्माएं शरीर छोड़ रही हैं उनको जगन्नाथ जी फिर लेकर के जाएंगे, तो साथ में एक क्रिमेटोरियम भी होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस को मीट करने के बाद जाकर के वो पेड़ चुना जाता है कि हाँ ये जगन्नाथ जी का पेड़ है, कि मतलब जगन्नाथ जी इसमें कार्व आउट किए जाएंगे। साथ ही शंख चक्र गदा पद्म वो उसमें इंगित होते हैं, और उसका जो मेन टॉर्सो है वो होना चाहिए 5 फुट का होना चाहिए, जगन्नाथ जी का जो मेन जो तना है उसका वो 5 फुट का होना चाहिए, और उसमें ना जगन्नाथ जी की फॉर्म हल्की हल्की प्रकट होगी, मतलब कि आप देख पाओगे, कहते ये देखो ये आँखें हैं, तो ये उनकी नाक है, देखो ये स्माइल भी है, कहते ये उनके हाथ हैं, ये हाथ पे देखो ये शंख चक्र, हाँ ये बने हुए हैं, हाँ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो पेड़ भी होता है, ऐसा नहीं होता ये प्री पेड पोस्ट पेड कोई भी आकर के पेड़, ना ना ये वाले पेड़ काम नहीं करते, बड़ा विशेष पेड़ होता है वो जिसमें कि जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। बलराम जी भी जो है ऐसे नहीं किसी पेड़ से ले लिए जाते हैं, बड़ा विशेष पेड़ होता है वो, सफ़ेद रंग का पेड़ होना चाहिए, उसके 7 ब्रांचेज होने चाहिए अनंत शेष, सो 7 ब्रांचेज होने चाहिए, और साथ ही उसमें भी शंख और चक्र उसके अंदर गुदे होने चाहिए, और उसमें भी
जगन्नाथ जी की जो फॉर्म है हल्की सी बाहर आ रही होगी, हल्की सी आंखें नजर आएंगी आपको, हल्के से स्माइल, तो हल्का सा वो नजर क्या आता है, नजर में आता है वाइट रंग का वृक्ष होता है ये, और 7 रंग की ऐसी ब्रांचेज होती हैं उसकी, तो ऐसा होता है। इस प्रकार सुभद्रा मैया, उनका भी वृक्ष होगा हल्का सा पीले रंग का होगा, तो इन दो पेड़ों के कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा और उसमें 5 ऐसी ब्रांचेज निकली होंगी। तो इस प्रकार से पता लगता है कि ओके, इसमें से अब सुभद्रा मैया प्रकट होंगी, हाँ सुभद्रा मैया इसमें प्रकट हो रखी है, इसको कार्व आउट करके अब नव कलेवरम की जो विधि है वो होगी। और जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए कि देखो तुम्हारे साथ क्या है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, कहते मेरे साथ भी है, मैं भी जन्म लेता हूँ, मैं भी बूढ़ा होता हूँ, मैं बीमार पड़ता हूँ और फिर ना मैं मरता भी हूँ। तो जब नव कलेवरम होता है तो ठाकुर जी पुराने जो डीटीज हैं वो जाते हैं और फिर उसका नए नव कलेवरम होता है, राइट, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बाई 12 ईयर्स कोई 20 ईयर्स होता है। तो जगन्नाथ जी वैसे तो भगवान ना अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, ना बुढ़ापा ना बीमारी, लेकिन जगन्नाथ जी के रूप में वो ऐसी लीला प्रकट करते हैं कि देखो तुम्हारा भी जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु मेरा भी होता है, सेम हम लोग सेम ही हैं, तो हम सेम परिवार के, आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ फिर तुम्हारे, हम सेम परिवार वाले हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, सेम। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी कनेक्ट करते हैं एक आम व्यक्ति के साथ कि जो व्यक्ति जो संसार के अंदर है कि देखो मैं तुम्हारे जैसा ही तो हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है वास्तव में पूरी सृष्टि के नाथ हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने कलर के द्वारा। असम के मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर हिवा सिंह बिफोर द रथ यात्रा हिवा सिंह कि वास्तव में देखिए जगन्नाथ इज ब्लैकिश, दुनिया में काले लोग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, पीली है कौन, वो हैं सुभद्रा मैया, पीले लोग कौन, ये एशिया के जो लोग हैं, ये चाइना वाले लोग जो हैं ये पीले, ठीक है, सफ़ेद रंग यूरोपियंस जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वाइट कलर सो बलराम जी, और सुदर्शन लाल रंग इंडियंस, कहता पूरी दुनिया के सारे कलर किसमें मिलते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन मिलते हैं। तो वास्तव में सृष्टि के ना तो ये सारे अपने अपने कलर दिखाए, कहते देखो हमारे अंदर सारे कलर हैं, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन भी नहीं है इनका, सारा इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, जगन्नाथ जगत के नाथ, इनफैक्ट जगन्नाथ के नाम से इंग्लिश में टर्म भी है जैगरनॉट, जैगरनॉट मीन्स द बिग हेडेड, इसका सर बड़ा होता है उसको बोलते हैं जैगरनॉट, पर ये जैगरनॉट ये शब्द इंग्लिश में डिक्शनरी में, इंग्लिश में आप ये पढ़े ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर उसमें है जैगरनॉट, पर ये जैगरनॉट शब्द आया कहाँ से, ये जगन्नाथ जी से आया, जगन्नाथ जी इज बिग हेडेड एंड इज वेरी डेस्परेट। कई बार लोग बोलते हैं कि ना लेकिन उनके पाँव क्यों नहीं है, भाई किसी व्यक्ति के हाथ होते हैं, पाँव भी तो होने चाहिए, जगन्नाथ जी के पाँव तो है नहीं जिन्होंने जगन्नाथ जी के विग्रह देखे हों, अगर कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़े क्या आप उसके पाँव देख पाओगे, कोई बहुत तेज दौड़ेगा कहता भाई ऐसे भागा पाँव तो नजर नहीं आ रहा, लग रहा था उड़ के जा रहा था वो, तो जगन्नाथ जी जब भक्तों की ओर दौड़ते हैं तो इतना तेज दौड़ते हैं उनको बचाने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, तो उनके पाँव नजर नहीं आते, इसीलिए उनके पाँव नजर नहीं आते हैं उनके पाँव, लेकिन दौड़ते इतना तेज हैं भक्तों की तरफ, अगर कोई भक्त एक बार देख ले जय जगन्नाथ स्वामी बोले अरे देखो ऐसे दौड़ते हुए आ जाएंगे, हाँ बुलाया तो नहीं, सो मर्सीफुल। तो इसलिए जगन्नाथ जी के ऐसे पाँव हैं, लेकिन डीटी से पाँव जो नजर नहीं आते वो इसीलिए है वास्तव में, ये बताने के लिए कि भाई ये तो दौड़ते हैं खूब तेजी से भक्तों की ओर जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी का राज ना सब और है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जगन्नाथ जी का राज नहीं, सब जगह है, राधा कुंड जाओ वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे, साउथ इंडिया पहुँच जाओ वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे, विदेश पहुँच जाओ वहाँ जगन्नाथ जी मिल जाएंगे, मतलब कहाँ का जगन्नाथ जी आप सोच सकते हैं, भाई आप यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो आप, कहते हैं हाँ बिल्कुल, और क्या, मेरा नाम पुरी नाथ थोड़ी है, भारत नाथ थोड़ी है, मेरा नाम तो जगन्नाथ है ना, सो दैट वे जगन्नाथ जी इज एवरीवेयर, सब और है। मेरा शुरू में मैंने केम टू इस्कॉन, मेरा जगन्नाथ जी से कनेक्ट नहीं होता था, क्या ये बड़े अजीबोगरीब रूप है भगवान का, अब ये लोग बोलते रहते हैं कृष्णा कृष्णा है, तो ठीक है कृष्णा होंगे, बट आई कुड नॉट कनेक्ट टू जगन्नाथ। तो मेरे जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, मैंने कहा सब आपसे इतना प्यार करते हैं, मेरा प्यार ही नहीं है आपसे जगन्नाथ जी, कुछ तो हल्का 1-2 मिलीग्राम तो दे दो। तो जगन्नाथ जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, एक बार जगन्नाथ कथा मेरे को करनी पड़ी जबरदस्ती, एक भक्त थे वो नहीं आ पाएगा था, प्रभु मैं नहीं आ पाऊंगा बीमार पड़ गया हूँ मैं, ये हो गया वो हो गया, लो जी अनाउंसमेंट हो चुकी है जगन्नाथ कथा आप क्या करें, तो इनके बारे में घुस घुस कर पढ़ना पड़ा, कॉन्टम्प्लेट करना पड़ा, करते करते इश्क हो गया,
मतलब यानी मैं ये नहीं कह रहा मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, वैसे मैं बहुत दूर हूँ कृष्ण प्रेम से, लेकिन हाँ भगवान जगन्नाथ जी व्यवस्था करते हैं। अगर हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें कि प्रभु आपका ये जो रूप है ना बहुत अलग है, यूजली वी कनेक्ट टू अ फॉर्म विच रिसेंबल्स है, जैसे त्रिभंग ललित फॉर्म वी कनेक्ट, लेकिन ये जगन्नाथ जी का रूप है बड़ा अद्भुत रूप है। तो इसलिए जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें, जगन्नाथ जी ही हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और ऐसे दयालु हैं, जानते हैं कि देखो हालांकि चैतन्य महाप्रभु आए चैंटिंग हरे कृष्णा दिया, लेकिन चैंटिंग हरे कृष्णा में कितना स्ट्रगल होता है हम लोगों को, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राम 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 की जय जय राम राम की राम की राम राम की जय। जगन्नाथ जी जानते हैं अबे तुम लोगों से भजन तो होना नहीं, तुम भोजन ही कर लो बेटा। तो खिला खिला के तारते हैं जगन्नाथ, खिला खिला के तारते हैं, ले और खाओ और खाओ। बहुत सारे पहले जब प्रभु जी मोहन रूपा प्रभु जी की ना तबियत खराब रहती थी, स्टमक डिसऑर्डर थे इनकी प्रभु जी के, तो बहुत नाप तोल के खाते थे प्रभु जी, लेकिन जब वहाँ पर गए तो जगन्नाथ जी के पंडे ने खूब खिलाओ, प्रभु जी ने भर भर के पाया, नो रिस्ट्रिक्शन, सब रूल रेगुलेशन सब भूल गए, ये खाना ये नहीं खाना सब किनारे, प्रभु जी को कुछ नहीं हुआ, एकदम बिंदास चकाचक फर्स्ट क्लास रहे प्रभु जी। वैसे यहाँ देख रहे करते हैं भैया खाना ये नहीं खाना, लेकिन जब वहाँ जाते हैं एकदम खुला खाते हैं प्रभु जी, हाँ लाओ 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 खा रहे हम दे, हम ये अवतार हम देख के हम हैरान रह गए प्रभु जी का। लेकिन वहाँ से जगन्नाथ जी का प्रसाद की ऐसी महिमा है, अरे कितना ही खाओ कभी इनडाइजेशन होने का नहीं, जिसको इनडाइजेशन हो रखा है कम से कम उस समय नहीं होने वाला, ऐसा जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और वहाँ पर जगन्नाथपुरी में वहाँ एकादशी को उल्टा टांग के रखा है, आप जगन्नाथपुरी जाओ वहाँ व्रत रखना बहुत मुश्किल है, मांग लो भाई सिंघाड़े का आटा कुट्टू का आटा ये आटा वो आटा, व्रत वाला आटा मिलने का ही नहीं, कहते भाई यहाँ व्रत होता ही नहीं, यहाँ पर यहाँ तो प्रसाद ही चलता है, ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा। तो जगन्नाथ जी जो है वो जानते हैं ये तो भजन तो इनसे होना नहीं है, किश किश राम राम किश किश राम राम ये वही में करने का, अबे तुम भोजन ही कर लो खाओ खा खा के धाम में आ जाओ मेरे, अब इसका मतलब ये नहीं भजन छोड़ दें हम, ये जगन्नाथ जी का मर्सीफुल नेचर है कि वो अपने आप को अवेलेबल कराते हैं खाने के माध्यम से भी, खाओ और खाओ भर भरे खाओ, यहाँ अत्याहार प्रयास अच्छे वो श्लोक यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, खाओ करो अत्याहार करो, खाओ जगन्नाथ जी का प्रसाद भर भर के खाओ। तो जगन्नाथ जी इज़ वेरी वेरी मर्सीफुल दैट फेस, और इसीलिए ये जो यात्रा है विशेष रूप से जो नव यौवनम रूप में जब जगन्नाथ जी आते हैं जब रथ पे जब बैठते हैं उस वक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करना उसकी बहुत महिमा है, और विशेष रूप से गुंडीचा मंदिर में जब वो हैं उसमें बहुत बहुत महिमा है जगन्नाथ जी के दर्शन करने की। तो इससे कई मौका मिले तो हमें जगन्नाथपुरी जाना भी चाहिए, और अगर लोकली अवेलेबल है जगन्नाथ जी तो यहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। कभी कभी डिवोटीज नहीं जाते कि सूरज होगा गर्मी होगी पसीना आएगा हमें सन टैन हो जाएगा और फिर वहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पीले भक्तों को भेज देते हैं, पीले वाले जाएँ आप ही जाओ हम क्या करेंगे, ये एट द मैक्स अभी आते हैं तो गुरु को चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, महाराज प्रेजेंट अब मैं गायब हो रहा हूँ चांदनी चौक में शॉपिंग करूँगा उसके बाद गायब हो जाऊँगा मैं, लेकिन बताता मैंने महाराज ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो जब जगन्नाथ जी जब धूप में निकले हैं तो हमें भी तो धूप में निकलना चाहिए राइट। आई सॉ वन डिवोटी इन रथ यात्रा, वो कीर्तन नहीं कर रहा था, वो तो हम ट्राले के ऊपर थे, हमने बोला हरि बोल हरि बोल, अरे भाई जगन्नाथ जी इतने एक्साइटेड हो रखे हैं तेरी एक्साइटमेंट क्यों मरी पड़ी है भाई। तो जगन्नाथ जी इज वेरी हैप्पी गोइंग टू सुंदराचल गुंडीचा मंदिर जा रहे वृंदावन जा रहे इज वेरी हैप्पी, सो वी शुड ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। देखिए असल में भक्ति भी क्या है ना, ये भौतिक जीवन जैसी है, भौतिक जीवन में ना जितना आप एब्जॉर्प्शन के साथ भौतिक जीवन जीते हैं आपको उतना आनंद आता है, हालांकि बाद में मरता है बात और है, लेकिन जितना घुस घुस के व्यक्ति भौतिक जीवन जीता है ना उसको उतना मजा आता है। भक्ति भी ऐसी ही है, भक्ति अगर आप घुस घुस के उत्साहपूर्वक करेंगे आपको आनंद आएगा, ऐसे करेंगे ना जय जगन्नाथ जी की जय कुछ नहीं होगा, सालों साल कर लो कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की मरगिली भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। हमारे यह भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेसी, तो जगन्नाथ जी इज इन एक्सटेसी, तो उनकी इस एक्सटैटिक फॉर्म को देख करके वी शुड इवन मैकेनिकली सही अब शुरू कर दिया, देखना वो मैकेनिकिज्म जो मैकेनिकल चैंटिंग डांसिंग है वो जगन्नाथ जी रिपेयर कर देंगे वो। सो दैट वे ये जो दर्शन है इसकी यहाँ महिमा बताई जा रही है, सो वी शुड डू रेगुलरली आर दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। हरे कृष्णा।